ये एक ऐसा नियोजन नीति है जो कभी भी किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि नहीं होगा। झारखंड में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको इसमें लाभ मिलेगा। खतियानधारी हैं उसको लाभ मिलेगा, जिसके पास खतियान नहीं है लेकिन मूलवासी हैं उनको लाभ मिलेगा। जो मूल झारखंडी उसके बारे में सोचिए, और जो बाहर से यहाँ आके दो पुश्त यहाँ जो सेवा दिया है, चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार को, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको भी जगह दीजिए। अभी मैं झारखंड के रामगढ़ जिले में हूँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगढ़ जिले में जो है उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में, और आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये गोला का ये प्लस टू उच्च विद्यालय, देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है, काफ़ी मजमा लगा हुआ है, और यहाँ पर इस सभा को संबोधित करने वाले हैं महागठबंधन के मुखिया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। देख सकते हैं कांग्रेस के जेएमएम के आरजेडी के नेता आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मजमा लगा हुआ है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा छात्र अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ये लोग से बात करते हैं कि ये लोग आखिर क्यों आए हैं। स्वागत है आप सभी का। जी धन्यवाद आपका। ये बताइए कि यहाँ पर तो सभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? सर सभा में माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करना है, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। वो सभा को संबोधित करेंगे क्योंकि दरअसल माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों में एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हुआ है, उस स्टेप का सराहना करते हैं, लेकिन कुछ कुछ त्रुटियां उसमें हैं और उसमें सुधार करते हुए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी भी इस बात को सुने, क्योंकि ये देखा जाए तो पब्लिक मंच पे है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री सबका बात सुनने के लिए आए हुए हैं, हमारा बात सुनेंगे। दरअसल बीते कुछ दिन पहले लगातार मुख्यमंत्री फोन के माध्यम से झारखंड के युवाओं से नियोजन नीति को लेकर के सुझाव मांग रहे हैं कि हमें सुझाव चाहिए कि झारखंड के युवाओं को किस तरह का नियोजन नीति चाहिए, लेकिन उसमें एक खामी है सर कि उसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब मांग रहे हैं। तो सर हम अगर सुझाव देंगे तो जब तक से हमारे पास खुद का नियोजन नीति नहीं बनेगा हम सुझाव कैसे दे सकते हैं? हाँ और ना में जवाब कैसे दे देगा आदमी, कुछ समझ में नहीं आएगा। वही बोल रहे हैं, वो पूछते हैं पहला सवाल कि हम नई नियोजन नीति को चाहते हैं कि 1932 आधारित खतियान पे लागू करेंगे, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के 9वीं अनुसूची में आएंगे, तब तक यहाँ पे विलंब हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी आ सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 2016 से पहले जो नियोजन नीति आई हुई है हम उस पर परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर 2016 में जाते हैं हम तो कट ऑफ वहाँ का आता है 1985 का, चलिए ठीक है वहाँ तक सही है, लेकिन उसके बाद भी 40% बाहरियों को आरक्षण, 60-40 पर जो मामला आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्थानीय भाषा है उसका स्थानीय परिवेश है उस पर कोई महत्व नहीं दिया गया है, तो चीज़ों को लेकर के आखिर हम हाँ कैसे कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि जल्दी एग्जाम हो, और जल्दी एग्जाम हो के अगर हम हाँ बोलते हैं तो जो देखा है तो हम अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि झारखंड में एक एग्जाम होने में कम से कम लगता है 5 साल। अगर इस बार हाँ बोल दिए एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हम ही लोग नहीं आ पाएंगे, बाहर के लोग बाजी मार लेंगे, 40% आ जाएंगे, बिल्कुल 40% वाले आएंगे। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि माननीय मुख्यमंत्री को जो सुझाव मांग रहे हैं हम भी सुझाव देंगे यहाँ पे, कैमरा में दिखाइए, बिल्कुल दिखा सकेंगे। ये क्या है सुझाव? ये झारखंड स्थायी नीति 2023 और झारखंड नई नियोजन नीति 2023 है, ये सुझाव है हम लोग का। तो ये आप लोगों ने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है, ये आप लोग पेश करेंगे? बिल्कुल, अभी माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो उनको संबोधित करेंगे। आपको वहाँ जाने दिया जाएगा? नहीं नहीं, हमारी आवाज जब जब बोलते हैं ना कि जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर झुकता है, तो जवानी यहाँ पहुंची हुई है तो वो जमाना भी इधर झुकेगा। तो ये आप इसमें क्या है लोगों को थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आराम जल्दी जल्दी बताइए। मतलब मैं बोलता हूँ, देखिए इसमें जो अस्थायी नीति जो है इसमें खतियानधारी और गैर खतियानधारी दोनों के हक में बात है। ये एक ऐसा नियोजन नीति है जो कभी भी किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि नहीं होगा। झारखंड में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको इसमें लाभ मिलेगा। खतियानधारी हैं उसको लाभ मिलेगा, जिसके पास खतियान नहीं है लेकिन मूलवासी हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो जिनके माता पिता कहीं बाहर में सर्विस कर रहे हैं और उनका मैट्रिक इंटर बाहर में हुआ है उनको भी यहाँ लाभ मिलेगा। जिनके माता पिता पिछले कई सालों से झारखंड में सर्विस कर रहे हैं और उनके बच्चे यहीं पढ़े बढ़े हैं उनको भी लाभ मिलेगा। मतलब कि इसमें किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, और चुनौती जो है जो बार बार कोई नियोजन बनती है जो आप बनाए हैं सुझाव दे रहे हैं नियोजन नीति, क्या इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में? नहीं नहीं, कहीं चैलेंज नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। इसमें हम लोगों ने इतना टेक्निकली दिया है क्योंकि चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज वही करेगा जिसको हक नहीं मिलेगा। यहाँ सबकी हक की बात कही गई है, सबके हक के बारे में बात किया गया है। पहले बात करेंगे कि कुछ कुछ जैसे कि अभी जितने भी विस्थापित हो चुके हैं उनके पास खतियान नहीं है अभी, तो उनको भी हक दिया जा रहा है इस नियोजन के तहत कि मतलब कि वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे, उनको यहाँ पे किसी भी तरह का रोक नहीं रह सकता है। तो ये नियोजन नीति बहुत अच्छा है। उसके बाद जो मैं मूल रूप से कहना चाहूंगा इसमें से क्या है, कुछ थोड़ा बिल्कुल एक दो पॉइंट पे थोड़ा बिंदु करके बताइए लोगों पे। जो बड़ा विवाद था जो विवाद था वो क्या था? यहाँ पे चाहते हैं कि
झारखंड नई नियोजन नीति 2023 के तहत सरकारी एवं गैर सरकारी नियोजन में मूल झारखंडी या खतियान आधारित झारखंडी के लिए 90% सीटों की व्यवस्था की जाए। मतलब जो खतियानी है, मूल झारखंडी है, उनके लिए 90%। उसके बाद झारखंड नई नियोजन नीति 2023 के तहत सरकारी एवं गैर सरकारी जो झारखंड के गैर मूलवासी हैं और गैर खतियान आधारित, मतलब मूलवासी भी हैं लेकिन उनके पास खतियान नहीं है, तो उनके लिए 10% सीटों की व्यवस्था की जाए। तो 10% उन लोग का काम हो जाएगा सर? वो लोग कम भी तो है ना, खतियानधारी की बात करेंगे। कहा गया है ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो वही है ना, जो आबादी यहाँ पे अधिक आबादी खतियानधारियों की है। और अगर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं होती है तो मैं चैलेंज करूंगा यहाँ पे कि जो 40 और 60 वाला जो नीति अपना रही है उसमें जाहिर सी बात है कि ये सीटें फंसेंगी। क्योंकि देखिए, हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं, हम लोग, मैं खुद का बात करूंगा, हमारी उतनी औकात, हमारी उतनी पहुंच और हैसियत नहीं है कि हम सीटों को खरीद सकते हैं। लेकिन जो बाहर के हैं वो डायरेक्ट पटना से, यूपी से, इलाहाबाद से डील करेंगे सीटों को और बिना एग्जाम लिखे ही वो पास कर जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि उस पर भी लगाम लगे। झारखंडी मूल वासियों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम इस नियोजन को बनाएंगे, इसलिए हम लोग सुझाव जो है माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। और ये रामगढ़ की धरती है, यहाँ पे गोला है, इस जगह में हम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे तमाम लोग मूलवासी हैं, तो हमारा समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल नियोजन नीति ऐसा हो जिसमें झारखंड के अभ्यर्थियों का हित हो। जी, तो हमारे साथ छात्र अभ्यर्थी गुलाम हुसैन थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियोजन नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है, नियोजन नीति नहीं होने के कारण बहुत सारी नौकरियों में अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, बहुत सारे बेरोजगार युवा जो है आज चुनाव में भी अपना हाथ अजमा रहे हैं। नहीं नहीं, 2017 के बाद से JSSC एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई है, तो उसमें रघुवर दास भी है और उसमें हेमंत सोरेन भी है। आप सिर्फ रघुवर दास पे ब्लेम करके नहीं निकल सकते, आप एक चुनाव नहीं रोक पाते हैं। आज चुनाव हो रही, कितना दिन पहले इसका सीट गया है, कितना दिन पहले गया आप बताइए? लगभग 5-6 महीना, तो 6 महीना में जब चुनाव कर सकते हैं तो 3 साल में स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं लागू, नौकरी नहीं दे सकते। आज तक हेमंत सोरेन 500 गिन के 500। आज हम उसको सुझाव देने आए हैं, नियोजन नीति पे ही सुझाव देने आए हैं और हम चाहते हैं कि वो सुझाव हम लोग से ले, क्योंकि फोन में वो सुझाव जो ले रहे हैं यस और नो, तो यस और नो में अगर सुझाव हो जाएगा तो या तो यस हो जाएगा या तो नो हो जाएगा। पहले सुझाव को समझिए, नहीं समझ में आता हम लोग को बुलाइए। आपके अधिकारी को भी नहीं समझ में आ रहा, आप जिसको अधिकारी बना के बैठे हैं कम से हमको बुलाइए, हम आपको बताएंगे कि कैसा होना चाहिए। क्यों हाईकोर्ट में फंस जाती है आपकी नीति? क्यों आप सिर्फ 1932 का ही सोच रहे हो? आप गैर को भी सोचिए, गैर खतियानी के बारे भी सोचिए और खतियानी के बारे भी सोचिए, जो मूल झारखंडी उसके बारे भी सोचिए और जो बाहर से यहाँ आके दो पुश्त यहाँ जो सेवा दिया है, चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार को, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको भी जगह दीजिए। हाँ, उनको, उनके साथ ये लग दीजिए कि आप एक ही स्थानीयता धारण कर सकते हैं जो कि झारखंड का होगा। अगर आप बिहार का या किसी और राज्य का नियोजन स्थानीयता धारण करते हैं तो आपका यहाँ का स्थानीयता नहीं मिलेगा, तो इस पे बात होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग लेके आ रहे, बहुत अच्छा बात है, चुनाव फिर जीत जाइएगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम युवाओं का क्या? हम लोग पिछले 2017 से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी पंचायत समिति के ही लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पहले आप बोल रहे थे कि नहीं होगा नौकरी, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा बच्चा, फिर वहां से आप नियुक्ति दे रहे हैं, तो ये कहां का है? मतलब आपको पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा? पहले क्लियर कर लीजिए, होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट बोलिए नहीं होगा, और अगर हो सकता है तो कहीं ना कहीं आप फेलियर है, आपके अधिकारी भी फेलियर है। आप जिनको अधिकारी बना के बैठे हैं उसको एक नियोजन नीति नहीं बनाने आ रही, एक स्थानीय नीति नहीं बनाने आ रही, और आप जितना भी नियोजन लेके आ जाइए, स्थानीय नीति अगर अब जब परिभाषित ही नहीं रहेगा कि कौन झारखंडी है, आप नियोजन किसे दीजिएगा? किसे दीजिएगा? आप किसको देना चाह रहे हैं? तो इसकी बात होनी चाहिए। देखिए यहाँ नेता है, वोट है, सब कुछ है, हम लोग आए हैं सुझाव देने के लिए, ठीक है, और मुख्यमंत्री हर स्टेज से सुझाव मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सुझाव लिया जाए। अब आप सिर्फ फोन में यस और नो 2016 का लागू कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इससे नहीं होगा। आप ऐसा नीति बनाइए, हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम लोग एक सुझाव पत्र लेके आए हैं जो मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, और ये सुझाव पत्र ऐसा है जिससे ये कहीं भी नहीं चैलेंज होगा, क्योंकि इसमें सबको समाहित किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ खतियानी को ही समाहित किया, यहाँ गैर खतियानी और वैसे लोग जो बाहर लोग का दर्द समझ रहे हैं, आप जो बाहर से आ चुके हैं उनको भी यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। उसका दो पुश्तैनी यहाँ खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा? तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आप